लोग बोलते हैं भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। लोग बोलते हैं, हम दान मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि अरे पैसे की क्या जरूरत है तुम लोगों को, भगवान तो सब जगह है, क्यों मंदिर बना रहे हो। मैंने देखा जब स्त्री का नाच कहीं होता है ना, जब कहीं पे मुजरा चल रहा होता है, कहीं नाच चल रहा होता है ना, लोग कागज की तरह अपने पैसों को उड़ाते हैं। ये देखा है, कागज की तरह अपने पैसों को उड़ा देते हैं, पानी की तरह अपने पैसों को बहा देते हैं। लेकिन जब आप उनके पास जाओ, हम मंदिर बना रहे हैं कुछ दान दीजिए, एक रुपये भी नहीं निकलता है। ऐसे लोग हैं, सीधे नरक की ओर जा रहे हैं, सीधे नरक की ओर जा रहे हैं। मंदिर को दान देने के लिए एक रुपये भी नहीं निकलता। तो मैंने उस व्यक्ति को समझाया कि भगवान सर्वत्र है, मंदिर की क्या जरूरत है, तुम बोल रहे हो तो तुमने पंखा क्यों लगा के रखा है, हवा तो सर्वत्र है, पंखा क्यों लगाया है घर में, हवा खाते रहो, बाहर भी हवा चल रही है, सर्वत्र वायु विद्यमान है, हवा लो, आनंद लो। तो कहता है कि पंखा वो जो समेट कर ना हवा को फेंकता है, इस तरह से ज़्यादा हवा लगती है। तो मैंने उसे समझाया, इसी तरह से मंदिर है, मंदिर में श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये रोड पे नहीं, रोड पे मैं ऐसा प्रवचन दूंगा एक व्यक्ति भी नहीं आएगा, कुत्ता भी नहीं आएगा। ये मंदिर है जहाँ पे भगवान का दर्शन होता है, भगवान की नित्य सेवा होती है, भगवान का कीर्तन होता है, लोगों को शांति मिलती है। यह मंदिर है जो जहाँ पर लोग एक साथ में बैठ कर भगवान का गुणगान सुन सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं और इस तरह से अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। ये रोड पे नहीं होता। तो अगर दान देना है तो भक्तों को दीजिए, कुछ सेवा करना है तो भक्तों की कीजिए। इस तरह से जुआरी शराबी इनका सेवा करने से कुछ फायदा नहीं है। मैं तो बहुत ही सरल है, क्योंकि भक्त बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं। कोई भी भक्त के संग में आता है तो उसका जीवन पूरा परिवर्तित हो जाता है, और किस तरह से वह बदल गया वो उसको खुद को नहीं समझ में आता है।